नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनाव पर चार्जशीट में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। दिल्ली में इन दिनों ठंड के साथ ही सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी दिल्ली की आप सरकार पर हमलावर होने की नीति लगातार कायम है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने आप पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही आप सरकार के खिलाफ 21 सूत्रीय चार्जशीट भी पेश की। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली देने का सीएम केजरीवाल का दावा पूरी तरह से झूठा है। हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली तो केजरीवाल दे रहे हैं, दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। सीएम केजरीवाल संविधान को मानते नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के खातों का ऑडिट नहीं कराया गया है। दिल्ली सरकार में 60,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एलजी को केजरीवाल सरकार को आदेश देना पड़ रहा है, जिसके बाद कैग की रिपोर्ट सरकार ने पेश की। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी की प्रेस वार्ता में आपके खिलाफ जारी की गई 21 सूत्रीय चार्जशीट बीजेपी की चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी हैं। इस कमेटी के सदस्य हरीश खुराना, प्रवीण शंकर कपूर, आरती मेहरा और श्वेता पाठक भी इस दौरान मौजूद रहे। एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों में टिकट के आवंटन के बाद उठापटक का दौर चल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 7 दिसंबर को मतगणना होगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी केंद्रीय चुनाव आयोग जा रहा हूं। गुजरात में भाजपा ने गुंडों के दम पर सूरत ईस्ट से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला का अपहरण करवाया और फिर पुलिस के दम पर नामांकन वापस करवा लिया। ऐसे में चुनाव का क्या मतलब बचाई क्या है फिर? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुंडों और पुलिस के दम पर उम्मीदवारों को अगवा करके उनका नामांकन वापस करवाया जा रहा है। इस किस्म की सरेआम गुंडागर्दी भारत में कभी नहीं देखी गई। फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? फिर तो जनतंत्र खत्म हो गया। बीजेपी ने इन 21 बिंदुओं की चार्जशीट जारी करते हुए आप पर निशाना साधा। अब चार्जशीट में जो बिंदु है उसको सुनिए। पहला है बिजली के नाम पर धोखा, दूसरा है पानी को तरसी दिल्ली, तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर आंखों में धूल झोंक रहे केजरीवाल, चौथा है शिक्षा में भी दिल्ली फिसड्डी, पांचवा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया, छठा है दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, सातवां है यमुना बन गई गंदा नाला, आठवां है नौकरी के नाम पर सिर्फ झांसा, नौवां है दिल्ली को बना दिया नशे की नगरी, दसवां है सीसीटीवी और वाईफाई का वादा भूल गए हैं केजरीवाल साहब, 11वां है एक भी फ्लाईओवर नहीं बना, 12वां है गांव के साथ सौतेला व्यवहार, 13वां है यमुना पार का विकास ठप, 14वां है समाज कल्याण के नाम पर झूठे वादे, 15वां है ऑटो वालों के साथ की बेवफाई, 16वां है किराएदारों के साथ वादा करके मुकर गए, 17वां वोटों के लिए समाज को बांटने का काम किया, 18वां प्रचार पर खजाना खाली, 19 कहां गई नैतिकता, 20वां है भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड और 21वां है कैग रिपोर्ट के आरोपों का क्या जवाब। यह चार्जशीट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चुनावी चार्जशीट। तो ठंड के साथ सियासी पारा बढ़ रहा है, यानी ये जो वादे अब तक अरविंद केजरीवाल ने किए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं और नैतिकता के तो बात ही करना बंद कर दें। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है, आर के मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। संजीव जी, ये क्या हो रहा है? कट्टर ईमानदार या कट्टर भ्रष्टाचारी या सिर्फ जुमलेबाज आप भी हो गए? इतने सारे आरोप लगा दिए हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी पार्टी को जरूरत क्या थी पार्टी बनाने की? हाँ, हम लोग पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, ठीक। हम लोग आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन से क्या मांग रहे थे? जो आम आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान हो, सिर्फ यही मांग रहे थे। लेकिन तत्कालीन सरकार जो बैठी थी उसने कहा नहीं जी, आपको चाहिए आप चुनाव लड़ करके आइए और फिर अपनी समस्याओं का। तो ये चुनौती स्वीकार की गई आम आदमी के लिए, पार्टी का गठन हुआ और आप उसके बाद से पार्टी गठन के बाद देख रहे हैं दिल्ली में पहले 49 डेज के लिए उससे दिल्ली की जनता प्रभावित होकर 67 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली में केजरीवाल साहब को। 5 साल सरकार चलाई, 5 साल की के बाद हम लोग अगर हमारा काम किया हो तो हमें
को नमक देना, दिल्ली को काम देगा, दिल्ली ने बड़ा जो है हमें चुन भेजा है, बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल तो ये, जनता मानेगी कि नहीं मानेगी? ये जो उन्होंने बिंदु यहाँ पर रखे हैं, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े, प्रचार खजाना खाली, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाया जा रहा, ये तो चीजें हम समझते हैं। आरके मिश्रा जी, इतनी सारी इस तरह से चार्जशीट लगाने की क्या जरूरत थी? ऐसा लग रहा कि आपका दामन तो बिल्कुल साफ है, आपके यहाँ तो कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं, आपके यहाँ तो सारे दूध के धुले हुए ईमानदार लोग हैं, ऐसा कुछ है क्या? रविंदर जी, इन पार्टी की जो हकीकत है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। देखिए, ये तो 21 सूत्री जो चार्जशीट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप हर एक विधानसभा में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट, मैं आपको कहता हूं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि हम लोग जो लीडर हैं वो ग्राउंड के से जुड़े हुए हैं। हम लोग हर एक क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, अपने क्षेत्रों में रहते हैं, जनता की समस्याओं को देखते हैं। अब देखिए, नाली, सड़क, नाली का निर्माण ये किसके हाथ में है? ये विधायक करवा सकता है, ये MCD का काम नहीं है। MCD सफाई करेगी नाली की, सड़क की। जहां पे सड़क नहीं है, जहां पे नाली नहीं है, आज विधायक से बात करने के लिए जाएंगे तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ये मैं छोटा सा एक घटना बता रहा हूँ, जो कि पिछले संडे की बात है। एक कार्यक्रम था वहां पर, ये जो है सो यहाँ पर गुंडे माफियाओं की तरह जो है सो वहां पर वोटिंग करने लगे और एक दूसरे को मारपीट करने लगे। अगर आज मान लीजिए स्थिति, अगर नाली का निर्माण कौन करेगा, सड़क का निर्माण कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ आज दिल्ली आज व्यवस्था करेगा, आज रिपोर्ट की बात कर रहे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अभी कूड़े के ढेर और लगेंगे, इतने कूड़े के ढेर हटाने की बात कही गई थी, उन्होंने कहा कि हर शहर में, हर देश में होते हैं कूड़े के ढेर। तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कूड़े के ढेर कहाँ होते हैं साहब, दिखा दीजिए जरा, बाकी देशों में कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो आईने में कभी खुद को भी देखा जाएगा या सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाए जाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल दोनों पर लगेगा आरोप, मैं कह रहा हूँ, जो कि दोनों पर प्रश्न पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूँ एक चीज बताइए, 900 करोड़ का MGT ने किसके ऊपर में फाइन किया? क्यों? क्योंकि इनकी अफसर की लापरवाही, दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से इनके ऊपर में 900 करोड़ का फाइन लगाया MGT ने। आज जमुना की सफाई को लेकर के ले लें, सड़क कहीं नहीं है, सड़क में गड्ढे पड़े हुए हैं, नाली बिल्कुल हो चुकी है। आज इनसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये गुंडागर्दी पर उतराते हैं। आप लोगों ने देखा, हमने देखा किस तरह से इनके जो टिकट मांगने वाले थे 90 लाख रुपए, जबकि ACB की कार्रवाई हम लोगों के सामने में आई, कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक दो दिन पहले की बात है। और किस तरह से इनके विधायक, इनके जो PA हैं, इनके जो सहायक हैं, इनके रिश्तेदार हैं, किस तरह से वसूली करने के चक्कर में और कैसे कैसे टिकट बेचने के, ये इल्जाम किसके ऊपर में है? आज ACB की कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? ये सारी व्यवस्थाओं को जिस तरह से डर से हिलाने का काम आज 8 साल के अंदर में आम आदमी पार्टी ने किया है, इस चीज को देखना पड़ेगा और जनता को समझनी पड़ेगी आपके लिए कौन सा बेहतर विकल्प है। आप MCD की चुनाव में ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, रविंदर जी मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। जो एक सैद्धांतिक और नैतिकता की बात करते थे, आज बिल्कुल यहाँ पर इनके हकीकत बिल्कुल जनता के सामने में है और जनता बिल्कुल 4 दिसंबर को देखेगी। जो कि MCD में तो आम आदमी पार्टी कहाँ से आ गई? MCD में जहाँ जहाँ इनके पार्षद हैं, मैं वो चीज कह रहा हूँ, एक तो बड़ी उतनी संख्या में नहीं है ना सर। संजीव निगम जी, एक बहुत गंभीर बात कही उन्होंने कि आप जिस तरह के वादे करके आए हो, उस तरह के वादों को अब जनता जान चुकी है। वो कह रहे हैं MGT ने 900 करोड़ का फाइन आप पे लगा दिया, यमुना की सफाई की बात तो हमें भी याद है कि यमुना की सफाई की बात बड़े जोर शोर से की थी अरविंद केजरीवाल ने। रविंद जी, ये MCD का चुनाव हो रहा है ना, 15 सालों से MCD में ये विराजमान थे। हाँ। इसे पूछिए क्या किया इन्होंने और क्या करेंगे और क्यों चुने आपको दिल्ली की जनता। नहीं, नहीं, ये जो फाइन लगा है, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। अभी ये MCD का चुनाव हो रहा है, जब दिल्ली सरकार का चुनाव होगा हम उसमें बकायदा रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और उसमें आपका पूरा अधिकार होगा और हम जनता से सामने कह रहे हैं। ये छोटे मोटे काम तो आपके विधायक करवा सकते हैं, उन्हें काम करने की जरूरत क्या है भाई? काम अगर हमने किया हो तो दोबारा चुनना, वरना न चुनना। हम तो ये सिद्धांत नहीं, संजीव जी वो ये कह रहे हैं कि ये छोटे मोटे काम जो है, नाले बनाना, ये बनाना, ये तो विधायक कर सकता है, MCD क्या जरूरत पड़ेगी? जो काम जिसके लिए लोकेटेड है, हमारे तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा किया जा रहा है। अरे मिश्रा जी, इनकी ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, MCD में बैठे थे, ये इन्होंने क्या किया? सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया कि दिल्ली सरकार के साथ हम कोऑपरेट करके
करके काम करे, इन्होंने जानबूझ करके हर्डल पैदा किया, ऐसा ऐसा अवरोध लगाया जिससे कि दिल्ली सरकार तो डिसेव हो और हमारे ऊपर कोई आंच ना आवे। भाई साहब, आपको जब दिल्ली की जनता ने 15 साल के लिए चुना है तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। दिल्ली नहीं, लेकिन किस तरह का सहयोग चाहिए भाई आपको? मैं बता, भ्रष्टाचार में सहयोग चाहिए या बेवफाई में चाहिए सहयोग चाहिए? जो वादे आप जो है आबकारी नीति ला रहे हैं उसमें सहयोग चाहिए, किसमें चाहिए? इनको मुबारक हो, आबकारी नीति की बात करते हैं, मैं बात करूं, गुजरात में साहब जो है शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है। हाँ। और गुजरात में शराब पीकर के मरने वालों की संख्या कितनी हो गई इनसे पूछिए, कोई उसमें कोई जांच पड़ताल हुई? किसी को कोई गिरफ्त में लिया गया? नहीं लिया गया। ठीक है, लेकिन ये कितना जायज है संजीव निगम जी, ये कितना जायज है कि साहब आपके दामन पे भी तो दाग है, हमारे भी थोड़े लग गए, तो क्या बात है, इसमें क्या बात हुई? ये तो कोई जवाब नहीं हो ना। आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं तो करप्शन से रिलेटेड या जो वादे किए थे उससे वादा खिलाफी की ना आपने? ये वो 100% पूरे किए, इन्होंने इनका प्रयास है दिल्ली को दबा दो, ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, नीचे ये बैठे हैं एमसीडी में, इन्हें काम करना नहीं, बीच में दिल्ली सरकार है। आप प्रयास इस तरीके के कर रहे हो, ऊपर से आप पैसा जो देना चाहिए दिल्ली सरकार को वो पैसा मिलेगा नहीं, एमसीडी काम करेगी नहीं, तो जनता भी सब देख रही है, जिनकी दिल्ली की जनता ने देखा है इस समय से, इसीलिए तो किस तरह का सहयोग चाहिए आपको भारतीय जनता पार्टी? आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। आपने दिल्ली के कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, कूड़े के पहाड़ की हाइट कम कर दी, उसको चारों तरफ फैला दिया और हाइट कम कर दी। आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो कूड़े के पहाड़ छोटे हो गए, अब इसी चक्कर में चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आर के मिश्रा जी, संजीव निगम से सुन लिया आपने, उनके जवाब तो देने, कूड़े के ढेर का जवाब देना है, सहयोग आप कर नहीं रहे। एक डायलॉग हम आपको याद दिला दे रहे हैं, उमा भारती जी का था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई, निर्मल नहीं हुई तो हम क्या कर लेंगे, ये तो उन्होंने साफ कहा था, हो गई आज तक? देखिए, गंगा की सफाई की अगर बात अगर हम कर लें तो निश्चित तौर पर देखें, चाहे बनारस का हो, चाहे आप देखेंगे कानपुर का गंगा हो, चाहे आप देखेंगे पटना का गंगा, जहां जहां भी हमने देखा है, जो कि शहर है, वहां पर जिस तरह की स्थिति थी उसमें हमने बहुत ही ज्यादा बेहतरी की है, निश्चित तौर पर। आपने कहा क्या प्रयास किए गए आपने? जी रविंद्र जी, क्या प्रयास किए गए? प्रयास मैंने जैसे कहा, जो कि गंगा की सफाई की जहां तक बात है, आज आप देखेंगे वहां पर जिस जमुना और गंगा में डुबकी लगाने से लोग कतराते थे, आज जमुना की क्या स्थिति है हम सब जानते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से कोई परहेज नहीं कर रहा है। आज मैं कह रहा हूं काशी, आज देखेंगे कानपुर, चाहे पटना, जहां जहां शहर सटा हुआ है वहीं पर गंदगी की जहां पर हम लोग बात करते थे, आज उनकी स्थिति बहुत बेहतर है, ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है इस चीज को। लेकिन जहां तक बात है ये आरोप प्रत्यारोप की, मैं कह रहा हूं दिल्ली की जनता जो इनको राजनीतिक पटल दिया था, जो इनको एक मजबूत, वो तो कह रहे हैं आप सहयोगी नहीं करते हैं, आरोप लगा लेते हैं, आपके यहाँ जो दागी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती और दिल्ली सरकार अगर काम करती है तो उसमें आप अड़ंगा लगाते हैं। रविंदर जी, कहां सहयोग करें? क्या आपने शराब नीति लाई उसके ऊपर में सहयोग करें? क्या वो तो कह रहे हैं गुजरात में कितने लोग मर गए इसके बारे में बता दीजिए, दो तरफा नीति क्यों? मैं कह रहा हूं जो कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी गुजरात के अंदर में, और आप तो यहां पर जो लिक्विड जिस तरह से एक के ऊपर में एक फ्री दे रहे थे, आप किस स्थिति में लेकर के दिल्ली को लेकर के आ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं आज दिल्ली के अंदर में जो नाले हैं आप देखेंगे बिल्कुल सड़क के साथ समतल हो चुकी है, सड़क नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था, जिस विधानसभा से मैं आ रहा हूं मैं उस विधानसभा की बात कर रहा हूं, पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर स्थिति में था, सड़क की स्थिति है। हाँ। रोज लोग घायल हो रहे हैं सड़क की स्थिति की वजह से, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आज इनके विधायक को अगर हम पूछते हैं तो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, नहीं आज 8 साल से किया क्या? मैं तो वही तो चीज पूछ रहा हूँ, दिल्ली की जनता यही तो पूछ रही है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, आप इतने ही अच्छे हैं, एमसीडी में इतने लंबे समय से बने हैं, तो जनता ने आपको चुना क्यों नहीं? दूसरी बार आ गई आम आदमी पार्टी, अगर आप इतने ही अच्छे होते तो जनता को ये बात समझ में आ जाती ना। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने रविंद्र जी, देखिए एमसीडी एक निकाय चुनाव का जो है ना, उसका एक जो मुद्दे होते हैं वो विधानसभा से ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मूलभूत सुविधाएं की बात हम वहां भी करते हैं और मूलभूत सुविधाओं की बात हम जो है तो निकाय चुनाव में भी करते हैं, क्योंकि ये वार्ड लेवल का ये चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर जो है तो हमें वहां पर बहुमत नहीं मिला, जनता
उस चीज को शायद लगता है जो कि हम वहां तक ठीक से अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए, हो सकता है। या ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व की बातों से, जुमलेबाजी से या हवा हवाई बातों से जनता बहला फुसला नहीं पाया आप दिल्ली की जनता, क्योंकि शायद पढ़े लिखे लोग ज्यादा भावनात्मक रूप से वो कोई फैसले नहीं करते। दिल्ली की जनता बिल्कुल पढ़ी लिखी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उन्होंने शायद चुनाव होगा कहीं ना कहीं हमें देख करके जो कि हाँ ठीक है एक नई पार्टी है नई सोच के साथ हो सकता है जो कि आया है और भाजपा को साइड करके इन्होंने इनको चुना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो कि जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया मैं सर माथों पर लेता हूँ, लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा रविंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राउंड रिपोर्ट जब जाकर के देखेंगे तो इन्होंने 8 साल से वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रखी है, इन्होंने 8 साल से कोई नया राशन कार्ड नहीं बना है। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूँ, और हमारे यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं पूछते हैं जो कि नया राशन कार्ड कब से बनेगा, हमारी पेंशन नहीं मिल रही है, ये सब सारी चीजें कौन करेगा, क्या दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित नहीं करेगी? ये संजय मेघा जी छोटे लेकिन बड़ी बातें हैं। मैं क्या कहता हूँ इनका क्या काम करने का रवैया है, इसे कहा चोर से कहो चोरी करो और उनसे कहो तुम जाते रहो, ये चीज नहीं बनी वो चीज नहीं बनी। हमने दिल्ली के लोगों के लिए राशन घर घर पहुंचाने की योजना बनाई। नहीं 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 ये देखिए रविंद्र जी राशन कार्ड राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे हैं ये? पहले सुनिए बात को। नहीं नहीं सुनिए इधर रविंद्र जी इसमें जनाब आप देखिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ राशन कार्ड क्यों नहीं बना, वृद्धावस्था पेंशन अभी क्यों बंद है? सुन लेते हैं जवाब सुन लेते हैं पहले जवाब सुन लेते हैं। बेईमानी जो चोरी पहले की सरकार ने कर रखी थी उसको बंद करने के लिए हम राशन घर घर तक पहुंचा रहे, एलजी साहब के माध्यम से आपने रोड़ा लगवाया। संजीव निगम जी उनका सवाल दूसरा है, संजीव निगम जी उनका सवाल ये है कि राशन कार्ड क्यों नहीं बने? मैं बता दो रहा हूँ राशन कार्ड जब हम कह रहे हैं कि घर घर राशन पहुंचाएंगे राशन कार्ड का क्या होता है? दोनों में अंतर है ना, पहुंचाने की योजना पे दोनों में अंतर है सर। हम वोट देंगे लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? आरटीओ में हमने ताला लगा दिया दिल्ली में, दिल्ली में ताला है आरटीओ में, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, जीरो टॉलरेंस है। नहीं क्लिक में चीजें बनवा सकते हैं आपके तरीके नहीं है आप। नहीं वो ये कह रहे हैं शिक्षा में क्या आपने नया कर दिया? शिक्षा में दिल्ली आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बनवा दिए, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन शिक्षा के स्तर पर दिल्ली है कहाँ आजकल? पहले की सरकारें क्या करती थी, जो मंत्री होते थे सरकार के वो बाहर चले गए दौरे में सीख करके आ गए साहब। हमने अपने दो प्रश्न है मेरा, मुझे हमने बाहर भेजा 8 से 4 साल पहले। निगम साहब सुन लीजिए निगम जी, निगम साहब 8 से 4 साल पहले भी बहुत सारी चार्जशीट लगी थी, आपको याद होगा कई आरोप लगे थे आपके 21 नेताओं के ऊपर, 21 एक दो नहीं 21 नेताओं के ऊपर। मैं वो सब आपने देखा है ना, कोर्ट ने सब बाइट जारी कर दिया, कोर्ट ने क्या इनका काम है कि इनके इनके कार्य को हम लिंगोदान करें। आप बताइए इनके 15 प्रमुख है दिल्ली में, हम इनको चुनौती देते हैं एक पन्ने में अगर 10 लाइन होते हो और ये लाइन का प्रमुख बना दे और दिल्ली में जीत जाए, इनके सिवाय इनके साथ के साथ सांसद है कोई काम नहीं करते सिवाय रातों दिन 24 घंटा किस प्रकार से केजरीवाल के कामों को डिफेंस किया जाए। अरे कुछ काम भी कर लेते सांसद, कुछ काम कर लेते कुछ एमसीडी के विधायक एमसीडी के पार्षद काम कर लेते। तो एमसीडी में ऐसा कौन सा काम नहीं हो जो आपको लग रहा है वो ऐसे ही बने हुए एमसीडी में इतने लंबे समय से? लंबे समय से 15 साल हो गए, क्या किया 27 साल गुजरात में किया, अब दिल्ली की जनता तो 15 साल में अगर कुछ नहीं किया जैसे दिल्ली में हम आ गए वैसे आप उसमें भी चले जाते हैं एमसीडी में? वहाँ देखिएगा दिल्ली की जनता सुनेगी, दिल्ली की जनता जो है रविंद्र जी मेरा 2 प्रश्न है ठीक है, मैं बहुत ही ग्राउंड की बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर 15 साल में आपने कोई काम किया है तो उसको गिना दीजिए कौन कौन से काम आपने किए। चलिए हम ये मानते हैं कि हो सकता है उन्होंने काम नहीं किया, आपने दिल्ली के एमसीडी में क्या क्या काम करवा दिए अभी तक दिल्ली के लिए ये बता दीजिए। रविंदर जी मेरा मात्र आपके माध्यम से 2 प्रश्न है, क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मेरे पास ऐसे सारे व्यक्ति आते हैं जिनको जो पेंशन के ऊपर में डिपेंड हैं, जो राशन कार्ड बनाने के लिए बात करते हैं, मेरी तरफ से आप इनसे ये 2 प्रश्न में जवाब देते हैं। आपके सवाल नोट कर लिए मिश्रा जी,
अब आप ये बताइए, ठीक है हम उनसे सवाल कर लेंगे, अब आप ये बताइए कि कौन कौन से काम है जो बड़े काम करवा दिए हैं दिल्ली के लिए आपने, जिस वजह से आगे जनता आपको चुने। बिल्कुल सही बात है, देखिए 15 साल तक जैसे इनको 8 साल से दिल्ली की जनता विधानसभा में भेज रही है, 15 साल से आप हमें भी जनता जो है सुबह आशीर्वाद दे रही है एमसीडी के अंदर में। जरूर हमने काम किया है, चाहे वो अस्पताल को लेकर के हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे स्कूल को लेकर के हो, चाहे हमने अपने फंड से अनाधिकृत कॉलोनी के अंदर में भी इस तरह से हमने व्यवस्थाएं की है, ये तो दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन हम अपने फंड से जहां तक भी हुआ है हमने उनका विकास भी किया है। आज इनका सीवर प्रोजेक्ट कहां पे है, आज इनकी सड़क की व्यवस्था क्या है, आज इनकी नालियों की व्यवस्था क्या है, मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी प्रखरता से पूछना चाहता हूं, जो कि आज अगर ये एमसीडी में दावा कर रहे हैं जो कि हमें चुना जाए, किस वजह से चुना जाए, क्या क्या इन्होंने क्या, जब ये विधानसभा गए हुए थे उस समय में जो किए हुए वादे थे क्या उन्होंने पूरे किए? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से काम करते हैं, फाइल राज्यपाल के पास पहुंचती है, उपराज्यपाल के पास, तो वहाँ पे अड़ंगा लगा दिया जाता है। ये बहाना जो भी राज्यपाल आ रहा है उनसे उनकी तुनक मिजाजी हो जाती है। रविंदर जी एक चीज बता देता हूँ, जो काम करने वाला व्यक्ति और पार्टी नहीं होता है ना, वहाँ पर बहाने बहुत चलते हैं। आज अगर मान लीजिए हमने अगर एमसीडी में काम नहीं किया तो आज 15 सालों से हम कैसे, जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, एक चीज बता दीजिए। शायद लग रहा है जो कि 2020 तो विधानसभा में आशीर्वाद क्यों नहीं दे पा रही। मैंने क्या कहा, जनता के आशीर्वाद को मैं सर आंखों पे लेता हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई हो, शायद हो सकता है, जो कि जनता के आपने वोट किया, मतदान किया, उसके ऊपर मैं कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। मैं उनका अपना मत था, उन्होंने मतदान किया, आशीर्वाद दिया, इनको मुबारक हो, इनको शुभकामना हो। लेकिन जो एमसीडी के अंदर में ये जो दावे कर रहे हैं, ये किस आधार पर, जब आप विधानसभा में थे, आपके जो काम है, जो राज्य सरकार का काम है, वो तो कम से कम सुनिश्चित कर लें, फिर जाकर के निकाय चुनाव में आकर के अपने दावेदारी पेश करें। मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, पेंशन और राशन कार्ड, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे व्यक्ति आते हैं। आपका पेंशन राशन कार्ड एक और हम इसमें सवाल जोड़ सकते हैं, निगम साहब राशन कार्ड की बात कर रहे हैं उसका जवाब देना आपको, पेंशन की बात कर रहे हैं उसका जवाब देना। इन्होंने एक आरोप और लगाया आपके ऊपर, जो आप मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की कोशिश करते हैं, बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं वो कह रहे हैं। मुझे बड़ा ये सुन करके अजीब सी मतलब कंपन सा महसूस होता है कि जनता का आप अपमान कर रहे हैं। कंपन आपको भूकंप की वजह से हो रहा होगा, भूकंप बहुत आ रहे हैं आजकल। जनता को आप जो है मतलब गाली दे रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। भाई साहब, जो सरकार में मंत्री बैठे बड़े बड़े, वो नहीं ले रहे क्या बिजली? उनको 3,000-4,000 यूनिट मिलती है, वो लेते हैं कि नहीं लेते? वो क्या है, वो मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है? अगर कोई सरकार अपनी जनता को कुछ देती है, किसी प्रकार का सहयोग करती है, आप जरा चले जाइए। अच्छा, इस चार्जशीट का जवाब कैसे देंगे अब आप? आप भी गोलमोल बातें कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके देशों का सर्वे कर लीजिए, कितनी देश की सरकारें अपने यहाँ शिक्षा मुक्त किया हुआ है और स्वास्थ्य बेहतर सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है? क्या ये बुरी बात है, क्या ये खराब बात है? एमसीडी जीत पाएंगे, एमसीडी जीत पाएंगे आप? आपका मंत्री ले सकते, जनता को याद दिला दिया उन्होंने, एमसीडी जीत पाएंगे आप? एमसीडी जीत पाएंगे, एमसीडी का चुनाव जीत पाएंगे आप? ये बता तो दीजिए संजीव निगम जी, कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने इनको खुला कहा, ये पन्ना प्रमुख नहीं, पन्ने के अंदर 10 लाइनें आती हैं, लाइन का प्रमुख बना दे और दिल्ली का चुनाव जीत करके दिखा दे, क्योंकि जनता को इन्होंने धोखा दिया है और दिल्ली की जनता समझदार है। आरके मिश्रा जी, कंपन उनको महसूस हो रहा, आपको हो रहा, चलते चलते जवाब दे दीजिए। सर ऐसा है, देखिए घबराहट तो नहीं रही जिस वजह से ये सारी चीजें दिखाई जा रही? देखिए कंपन किसको हो रहा है वो हमने सबने देखा है, जो किस तरह से खरीद फरोख्त हो रही है टिकटों की। आज अगर हम देखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और ये हम सबके सामने में है, कहीं कोई ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। इतने सारे आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया टिकट का। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जुदेव थे इनके नेता मध्य प्रदेश के, बोलते थे खुदा कसम पैसा जो है खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं, डूबे आकंड इस बात से कौन इनकार कर सकता है सर? लेकिन जमीन नहीं गिरना चाहिए, जमीन नहीं गिरना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जो आरोप पत्र लगाए हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जनता जानती है। अगर ये आरोप लगाए हैं और अरविंद केजरीवाल ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी को ये दांव उल्टा पड़ जाएगा। और अगर ये सही बातें हैं
तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए संकट खड़ा हो सकता है आने वाले चुनाव में। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि जनता जनार्दन होती है और देखते हैं क्या होता है चुनाव के वक्त। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।